cuties, welcome or welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Shambhavi and thank you so much for clicking on this video. So as you guys already seen the title and the thumbnail for today's video, I'm going to share with you guys trendy affordable bottom wear haul from Meesho and Flipkart. So as a particularly ye nahi hai ki maine ek app se liya, maine do app se like jeans mangayi hui hai Flipkart and Meesho se. So I thought let me share with you guys a haul, kyunki ek to jeans isme jo hai wo exact like aap dupe keh sakte ho फ्रॉम एच एन एम, क्योंकि मैंने एच एन एम की वेबसाइट पे देखी थी जीन्सेस एंड वो काफी ज्यादा महंगी थी फॉर मी. अभी वो काफी ज्यादा महंगी है एंड जो मैंने ऑर्डर किए वो उसके जस्ट हाफ प्राइस पे है, लाइक विच इज अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि जिसमें आप एक लोगे उसमें आप दो ले सकते हो उसी प्राइस रेंज में. ऑफकोर्स वैसी आई डोंट नो वैसी क्वालिटी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक एच एन एम की कोई भी लाइक जीन्सेस वगैरह ट्राई आउट नहीं करी है, बट हाँ लुक वाइज काफी अच्छी लगी एंड जितना मैंने पे किया है इन जीन्सेस के लिए उसके हिसाब से क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू गाइज, आई होप कि आपको हेल्प हो जाएगी इससे थोड़ी बहुत. दिस ऑल आर द जीन्सेस जो कि मैंने बाय करी है फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड फ्रॉम मीशो. सो या सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो द वेरी फर्स्ट जीन्स इज दिस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अभी आई नो यहाँ पर पूरा दिख नहीं रही होगी आपको सही से, मैं आपको साइड में ट्राई ऑन दे दूंगी तो आपको क्लियरली दिख जाएगी. एंड दिस इज इन कलर एकदम प्योर व्हाइट. मुझे ना व्हाइट जीन्स काफी टाइम से चाहिए थी, आई डोंट हैव एनी वाइट जीन्स, तो काफी लंबे टाइम से चाहिए थी तो आई थॉट चलो बाय कर लेते हैं. दैट ही लाइक एग्जैक्ट वैसा ही लुक वाइज दिख रही थी सो आई थॉट चलो ट्राई करते हैं. ऑल्सो जो इसका साइज इसका एच एन एम पे था उसका हाफ प्राइस पे थी मीशो पे, सो आई थॉट चलो ट्राई करते हैं क्या ही. एंड जो उसमें मेरा साइज है वो है 28 एंड आजकल ऐसे लाइक ऐसे कार्गो जीन्सेस काफी ज्यादा चल रही हैं एंड मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये. बाय द वे अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज जितना मैंने पे किया है उसके हिसाब से मुझे उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी. ऑल्सो ये मुझे पड़ी थी अंडर रुपीज 700, दिस इज अ रियली ग्रेट थिंग आई थिंक, मुझे काफी सही लगी. ऑल्सो जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लगी. सो या लाइक जब मुझे रिसीव हुई आई वॉज लाइक यही तो चाहिए था मुझे यार, वो मुझे मिल गया. ये ना स्ट्रेचेबल नहीं है जीन्स बिल्कुल भी, जरा भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो अपना साइज ना देख के लेना कि आपको सही से फिटेड हो रही है कि नहीं हो रही. स्ट्रेचेबल जीन्स थोड़ा ऐसी होती है कि आपके लाइक कमर पे थोड़ा बहुत हाँ स्ट्रेच होके सही से आ जाती है, बट बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना. बाय द वे अदरवाइज आई रियली लव दिस जीन्स. सो यार यू गाइस, सो द सेकंड जीन्स इज दिस. दिस इज अगेन ऑल्सो अ एच एन एम का ड्यूप. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई नो आपने ये जीन्स काफी लोगों को पहने हुए देख ली होगी, बट मैंने मोस्टली लोगों को ना ये एक्सेक्ट एच एन एम की ही पहने हुए देखा है, मैंने कोई ड्यूप नहीं देखा एज सच अभी तक तो, बट मुझे ये मीशो पर मिल गई एंड मुझे एच एन एम के हाफ प्राइस में मिली है. मुझे काफी टाइम से चाहिए थी, ऑलमोस्ट 6 to 7 months से ये जीन्स लिटरली मेरे को चाहिए थी, बट इट्स अराउंड 1400 या फिर 1500 के अराउंड थी एंड मीशो पे ये 711 रुपीज की थी, एग्जैक्ट हाफ प्राइस की थी एंड जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. अगेन इसमें भी जो मेरा साइज है वो है 28, तो डेफिनेटली आप इस जीन्स के लिए जा सकते हो. दिस इज जैसी मैंने देखी थी बिल्कुल डिट्टो मुझे, लाइक जैसी मैंने एच एन एम पे देखी थी बिल्कुल डिट्टो मुझे मीशो पे मिल गई. बट ऑफकोर्स मैं फैब्रिक क्वालिटी का उतना नहीं बता सकती अकॉर्डिंग टू एच एन एम, जस्ट बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने एच एन एम के कपड़े अभी तक ट्राई आउट नहीं किए हैं, बट मीशो पे जितने आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से मुझे ये जीन्स बिल्कुल परफेक्ट लगी. ऑल्सो अगेन ये जीन्स भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो उस हिसाब से देख लेना कि आपके परफेक्ट कैसे आती है कैसे नहीं. ऑल्सो इसमें भी मेरा साइज जो है वो है 28 एंड दोनों ही जीन्स लाइक मीशो की है एंड दोनों ही एच एन एम का परफेक्ट ड्यूप है. आई थिंक इससे सस्ता लाइक ड्यूप नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ड्यूप नहीं मिलेगा. जितना पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ इट रुपए. गाइस सो दिस इज अवर नेक्स्ट जीन्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी ब्लू कलर की जीन्स. मैंने इस जीन्स को इसलिए बाय किया क्योंकि इस कलर में मेरे पास कोई भी जीन्स नहीं थी एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई बॉयफ्रेंड जीन्स. मैंने बहुत सुन लिया था बॉयफ्रेंड जीन्स के बारे में बट मेरे पास एक भी बॉयफ्रेंड जीन्स नहीं थी, तो आई थॉट चलो लेट्स ट्राई इट आउट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड आई थिंक एक सिंपल एकदम बेसिक सी जीन्स वॉर्डरोब में जरूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसी जीन्स ना आप किसी के भी साथ डाल सकते हो, टॉप टी शर्ट शर्ट किसी के भी साथ एंड यू आर गुड टू गो. कभी कभी ना बहुत चूजी हो जाते हैं कि यार यहाँ जा रहे हो तो हम ये नहीं पहन सकते, यहाँ जा रहे हो तो हम ये जीन्स नहीं पहन सकते. उसके हिसाब से ऐसी जीन्स ना बहुत कन्वीनियंट होती है, काफी सही होती है कि उठाओ पहनो एंड यू आर गुड टू गो, क्योंकि आप इसे कहीं भी पहन सकते हो, बहुत बेसिक और सिंपल होती है. दैट्स व्हाई एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. एंड गेस द प्राइस,
बहुत 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 ज्यादा सस्ती जीन्स है, एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा सस्ती जीन्स इतनी अच्छी क्वालिटी की आपको कहीं मिलेगी। पहली चीज तो सस्ती जीन्स इतनी जल्दी मिलती नहीं है, इफ अगर मिलती भी है तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एंड ये बहुत ज्यादा सस्ती है। लाइक लिटरली दिस ड्रेस फॉर जस्ट रुपीज 499, सिर्फ 500 रुपए की जीन्स है, एंड उसके हिसाब से आपको क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है, विच इज अ रियली ग्रेट थिंग। मुझे इतने अच्छे से लाइक इतनी जल्दी जीन्स सस्ती नहीं मिलती है, तो उसके हिसाब से आई थिंक आपको जरूर जाना चाहिए इस जीन्स के लिए। ऑल्सो इसमें जो मेरा साइज था, पहले मैंने 28 ऑर्डर किया था, वो मेरे काफी ज्यादा फिटेड था, देन आई ऑर्डर 30, तो इसमें मेरा साइज 30 है, एंड उन दोनों जीन्स से मेरा साइज 28 था, एंड ये ना मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, मुझे काफी सही लगी। जितना आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से इसका फैब्रिक एंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है इसको पहनने के बाद नहीं, एंड आपको एक बार इसके लिए जरूर डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारी लगने वाली है गारंटेड, क्योंकि इसके इसके प्राइस रेंज के हिसाब से ना आपको लाइक और सस्ती जीन्स नहीं मिलने वाली इतनी अच्छी। इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, ग्रे था, ब्लू था, ब्लैक था, एंड इसमें भी एक ब्लू कलर था, तो आपको एक बार जरूर इस जीन्स को ट्राई आउट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज थम्स अप फ्रॉम माय साइड, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। ऑलरेडी यू गाइस, सो हम मूव इन करते हैं हमारी नेक्स्ट जीन्स की तरफ। सो हियर इज अवर लास्ट जीन्स, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज लाइक डैमेज जीन्स, एंड आफ्टर अ सो लॉन्ग मैं कोई डैमेज जीन्स ट्राई आउट कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने कभी पहनी नहीं है, बहुत टाइम पहले एक आध बार ही पहनी थी। आई एम नॉट अ पर्सन जो इतना ज्यादा लाइक इस रिप्ड जीन्स में कंफर्टेबल हो, बट आई थॉट चलो पहली बार थोड़ा अपना लाइक कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, सो आई ट्राई दिस। उसमें भी मैंने बहुत ध्यान रखा है, काफी ज्यादा रिप्ड ना हो, स्टिल मुझे भी ना पहनने का काफी ज्यादा रिप्ड लग रही है, क्योंकि मैं ना उतनी डैमेज जीन्स की फैन नहीं हूँ, मुझे ऐसी जीन्स उतनी ज्यादा पसंद, मतलब पसंद है बट आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल पहनने में, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, रियली वॉन्ट कि मैं पहन के बाहर जाऊं, बट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल इनको पहन के बाहर जाने में, बट लेट्स ट्राई इट आउट, क्या जाता है एक दो बार लाइक से ट्राई आउट करने में, थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाने में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसके प्राइस के हिसाब से इसका फैब्रिक काफी अच्छा लगा। अगेन इसमें जो मेरा साइज है वो है 28, एंड दिस रिटेल्स फॉर 639 रुपीज, मतलब 640 की ये जीन्स है, उसके हिसाब से इट्स परफेक्ट, लाइक काफी अच्छी लगी मुझे, क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी, फिट भी मुझे इसका काफी अच्छा लगा, बट मेरे लिए ना थोड़ी सी लेंथ ही है, क्योंकि मेरी हाइट काफी ज्यादा कम है, इस वजह से मैं छोटी सी हूँ, तो मेरी ये थोड़ी सी लेंथ ही लगी, बट आई थिंक मैं शूज वगैरह पे इनको पहनूंगी, इसको पहनूंगी तो ठीक लगेगी, उतनी ज्यादा लेंथ ही भी नहीं है, बट ओवरऑल मुझे इसका लुक काफी अच्छा लगा। इफ यू आर समवन जो रिप जीन्स के फैन हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। So yeah, alright you guys, that was all about today's video, that was all about today's what a wear haul. I just hope कि आपको इसमें से कोई भी जीन्स अच्छी लगी होगी, एंड जो मैंने H&M वाले ड्यूप बताया ना आपको वो भी अच्छे लगे हो, इफ अगर लगे हो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, देन यू नो वॉट टू डू, यस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन, एंड मैं ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियोज ला सकूं, इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे जाना, एंड या सो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। Okay, bye.